नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों के डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कोविड की तीसरी लहर से दिल्ली लगभग बाहर आ चुकी है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। दिल्ली में कोरोना महामारी से बीमार लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर अब खत्म होने की कगार पर है। कई अस्पतालों में एक भी कोविड मरीज एडमिट नहीं है। जहां औसतन हर रोज 2 से 3 मरीज एडमिट हो रहे थे, उन अस्पतालों में भी अब हफ्ते में 2 या 3 ही मरीज एडमिट हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि वायरस तो खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन अब जीवन इसके साथ ही चलता रहेगा। म्यूटेशन भी होंगे, लेकिन क्रॉस इम्यूनिटी भी मिलती रहेगी। अब पहले की तरह गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना बिल्कुल कम है। वहीं बात करें कोविड के नए आंकड़ों की, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 739 नए मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 3026 केस एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास दिल्ली के आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर अलग अलग मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर हैं। 31 जनवरी से शुरू हुई हड़ताल को अब 18 दिन होने को आए हैं। हड़ताल में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या भी हजारों हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर मानदेय बढ़ाए जाने का प्रदर्शन कर रही हैं। वर्कर्स की शिकायत है कि कम पैसे में किसी भी महिला का गुजारा कर पाना काफ़ी मुश्किल है। महिलाएं पूरी मेहनत और लगन के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रही हैं। कोरोना काल में भी घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भोजन वितरित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को भी दिल्ली सरकार कर्मचारी का दर्जा दे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले राजधानी का सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। इस बीच निगम में शासित बीजेपी की सरकार ने नाराज कर्मचारियों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत अगले कुछ दिनों में होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में 6,646 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के मद्देनजर विशेष प्रस्ताव भाजपा की सरकार लाने जा रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि निगम में कार्यरत कर्मचारी बीजेपी से नाराज नहीं है। निगम में बीजेपी की सरकार सभी कर्मचारियों का वेतन समय से जारी कर रही है। दरअसल निगम में कार्यरत कर्मचारी समय पर वेतन जारी ना किए जाने, पेंडिंग एरियर समेत अन्य मांगों के पूरा ना होने से नाराज हैं। वहीं दिल्ली में अगले 2 महीनों के अंदर नगर निगम की सभी 272 सीटों को लेकर प्रमुख चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा रोटेशन पॉलिसी भी जारी हो चुकी है। चुनावी माहौल भी बनना दिल्ली में शुरू हो गया है। अगले महीने यानी मार्च से दिल्ली को कुछ हद तक जाम से मुक्ति मिलने जा रही है। 2 बड़े इलाकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ अगले महीने से शुरू होने जा रही प्रगति मैदान सुरंग सड़क, जहां ITO इलाके को जाम से मुक्ति दिलाएगी, वहीं आश्रम अंडरपास के शुरू होने से इंडिया गेट से बदरपुर की ओर आना जाना आसान होगा। इस टनल से न केवल दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि NCR के राज्यों, UP और हरियाणा के लोगों को भी राहत मिलेगी। इससे उनका पैसा और फ्यूल दोनों बचेंगे। टनल रोड प्रगति मैदान के नीचे जाती है, जो पुराना किला रोड से शुरू होकर प्रगति पावर स्टेशन के पास रिंग रोड पर खत्म होती है। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम से राहत की अधिक उम्मीद है। इस टनल के शुरू होने से ITO क्षेत्र में विकास मार्ग पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए लोगों ने 5,500 सुझाव दिए हैं, जिनमें छोटे कारोबारियों के लिए इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू करने से लेकर राष्ट्रीय राजधानी में ई बाइक को प्रोत्साहित करने तक सुझाव शामिल है। दिल्ली सरकार ने अपने स्वराज बजट के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे और सुझाव देने के आखिरी दिन तक 5,500 सुझाव मिले। वहीं एक पत्रकार ने मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोहल्ला लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस रेखा पल्ली उस वक्त नाराज हो गए जब एक वकील उन्हें बार बार सर कहकर संबोधित कर रहा था। वकील महोदय अपनी दलील रखते समय बार बार सर कहकर संबोधित कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं सर नहीं हूं। इस पर वकील ने माफ़ी मांगी और कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं उसकी वजह से मैंने सर कहकर संबोधित किया। इस पर जस्टिस रेखा पल्ली नाराज हुई और वकील से कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कुर्सी केवल सर के लिए ही है? अगर युवा ये अंतर खत्म नहीं करेंगे तो आगे कौन करेगा? बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या का 20% महिला जज है। हाईकोर्ट में फिलहाल 30 जज हैं, जिसमें 6 महिला जज हैं। दिल्ली पुलिस महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करने के लिए अलग से दिल्ली में जगह जगह पिंक बूथ शुरू कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी जिले में 11 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हर एक शिकायत समस्या का तेजी से समाधान किया जाएगा। इन पिंक बूथों पर जहां महिला पुलिसकर्मी तैनात है, तो वहीं पूरा स्टाफ महिला कर्मचारियों का है, जिससे कि किसी भी वर्ग से आने वाली महिला बेझिझक और बिना डरे अपनी समस्या सीधे पुलिस को बता सकेगी। इन पिंक बूथों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, बड़े भीड़भाड़ वाले बाजार के नज़दीक स्थापित किया गया है, जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है या फिर युवा महिलाएं, छात्र ज़्यादा संख्या में पढ़ाई के लिए आते हैं। ऐसी जगह पर इन पिंक बूथों के होने से किसी भी प्रकार की शिकायत महिलाएं कर सकेंगी। यहां महिला और बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
डीयू के फर्स्ट ईयर के एक छात्रा से मोबाइल फोन छीनने वाला एक युवक पुलिस के जाल में फंस गया जब 9 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने उसका और उसके सहयोगी का करीब 2 किलोमीटर तक पीछा किया। दरअसल 18 साल की पीड़िता संत नगर से ट्यूशन पढ़कर एक फ्रेंड के साथ अपने घर मुकुंदपुर लौट रही थी। जैसे ही वे दोनों आउटर रिंग रोड के बुराड़ी चौक पर बस से उतरी, दो आदमी कथित तौर पर स्कूटी पर आए और उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। कांस्टेबल संदीप उसी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने फोन छीनते हुए देखा और उन दोनों का पीछा करने लगे। इस दौरान उन्होंने SHO के ऑपरेटर को फोन किया, फिर सब इंस्पेक्टर दीपक को रास्ता ब्लॉक करने के लिए अलर्ट किया गया। पास में ही बुराड़ी के SHO राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। इसके बाद इस ऑपरेशन में सभी पुलिस वाले जुट गए। उसके बाद 19 साल का एक आरोपी अलाउद्दीन पकड़ा गया, फिर उस लड़की को फोन हैंडओवर किया गया। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। ठंड धीरे धीरे विदाई की ओर बढ़ रही है, तो सुबह गुनगुनी धूप के साथ लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली में सैर सपाटे के साथ वीकेंड पर घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर आप खाने पीने के साथ बदलते मौसम का भी मजा ले सकते हैं। दिल्ली घूमने के लिए अब आपको पर्यटन स्थलों की जानकारी एक ऐप के जरिए मिल जाएगी। दिल्ली टूरिज्म ऐप पर सभी तरह की जानकारी और टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली टूरिज्म ऐप की शुरुआत भी हो चुकी है। इस ऐप पर दिल्ली के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक सुविधा वाले स्थान के साथ टिकट और यात्रा के साधन के अलावा सभी जानकारी मिलती है। सर्दियां अपने अंतिम दौर में है। फरवरी के साथ ही सर्दियों का सीजन भी खत्म हो जाएगा। इस बीच मौसम में एक बार फिर अंगड़ाई लेने के मूड में है। 19 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा। 19 फरवरी से बादल छाएंगे और तेज हवाएं भी चलेंगी, से दोपहर की बड़ी गर्मी का असर कुछ कम होगा। वहीं ये सिलसिला 22 फरवरी तक जारी रहेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।